हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ट्रांजिस्टर की, उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि लीकेज करंट क्या होती है सी कॉन्फ़िगरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के लेक्चर्स और जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं तो जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पर यूज किया है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एमिटर अगर कॉमन है तो इसको हमने कर दिया है ग्राउंड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि ये बेस के लिए भी कॉमन है आपका और कलेक्टर के लिए भी कॉमन है, या इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों ही के लिए कॉमन है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो जंक्शन होते हैं, एक है आपका सीबी जंक्शन यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन और दूसरा है आपका ईबी जंक्शन यानी कि एमिटर बेस जंक्शन। ये जो है आपका कलेक्टर और बेस से मिलकर ये जंक्शन वन और ये है आपका जंक्शन टू। ठीक है, यानी कि बेस और एमिटर से मिलके। और आपको पता है अगर आपको ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है, ठीक है, तो आपको इसको यूज करना, आपको इसको एक्टिव मोड में ले जाना पड़ेगा। और आपको पता है एक्टिव मोड में कैसे जाएंगे, उसके लिए जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है वो होना चाहिए आपका रिवर्स बायस, उसी के साथ साथ जो आपका एमिटर बेस जंक्शन है वो होना चाहिए आपका फॉरवर्ड बायस। तो ये जो कॉमन चीजें हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जंक्शन के अकॉर्डिंग ही इनका मोड चेंज होता है, यानी कि अगर आप सीबी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देंगे, इसको रिवर्स बायस कर देंगे तो मोड चेंज हो जाएगा। तो ये सब बातें मैंने आपको जो बेसिक लेक्चर है उसमें बताया है। तो अब देखिए, हमें अगर कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी एन साइड है, ठीक है, जो आपकी एन साइड है इसको आप कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर मैंने जो बैटरी यूज की है वो है वीसीसी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमने कनेक्ट कर दिया है एन साइड को तो ये आपका चला गया है रिवर्स बायस में। उसी तरीके से जो आपका ईबी जंक्शन है, ठीक है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका बेस है, ठीक है, यानी कि ये जो है पी साइड जो है इसको आपको कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर जो आपकी बैटरी है वो है वीबीबी और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया है तो ये हो गया है आपका फॉरवर्ड बायस। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, तो इसकी जो मेन आपको बात पता लगेगी वो होगी जब हम लीकेज करंट की बात करेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि स्विच जो है वो आपका क्लोज है, ठीक है। और अगर आपका स्विच जो है वो क्लोज है तो उस केस में होगा क्या, आपकी जो तीनों नॉर्मल करंट होती हैं यानी कि आई ई, आई सी और आई बी, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट, वो फ्लो होंगी। और आपको पता है ये है आपका इनपुट साइड, तो यहाँ पर जो इनपुट करंट होगी वो होगी आई बी और उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। उसी के साथ साथ जो कलेक्टर करंट है जो कि आपकी आउटपुट करंट होगी उसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है, यानी कि ये दो तीन करंट है। उसी के साथ साथ आई ई की जो वैल्यू होगी वो आई की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड। तो इससे आपको पता लगता है कि आई ई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा आई सी प्लस आई बी, यानी कि जब आपका स्विच क्लोज होगा तो उस केस में आपका जो आई ई होगा वो आई सी प्लस आई बी के इक्वल होगा। और डायरेक्शन के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर इस फिगर में आप आएंगे तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तीनों टर्मिनल मैंने दिखाए हुए हैं ई बी सी। तो आपकी जो इनपुट करंट है यानी कि आई बी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इनपुट करंट कौन सी है और आउटपुट करंट कौन सी है। तो आई बी जो है वो आपकी इनपुट करंट है, उसकी डायरेक्शन ये होगी। उसी के साथ साथ जो आपकी आई सी है यानी कि जो आपकी आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट, उसकी डायरेक्शन ये होगी। उसी के साथ साथ जो बेस और एमिटर के बीच में पोटेंशियल है यानी कि वी बी ई, और जो आपका कलेक्टर और एमिटर के बीच में पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो होगा आपका वी सी ई, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसे हम कहते हैं इनपुट वोल्टेज और इसे हम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज, और ये है आपकी इनपुट करंट और ये है आपकी आउटपुट करंट। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनका आपको पता रखना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तो वहां पर आपको ये काम में आने वाली है। अब चलिए, ये तो थी कि जब आपका स्विच क्लोज था,
अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपका स्विच जो है वो ओपन हो गया है, ठीक है, और अगर आपका स्विच जो है यहाँ से अगर ओपन कर दिया है हमने, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एमिटर बेस जंक्शन है, ठीक है, वो ओपन सर्किट हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि जो इनपुट या फिर आपकी बेस करंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जो आईबी है वो आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब ये ओपन सर्किट हो गया है। अब होगा क्या, जो आपकी लीकेज करंट है, और यहाँ पर लीकेज करंट ध्यान में रखना है, वो होगी आई सीईओ किस लिए होगी, क्योंकि जो आपकी रिवर्स सेचुरेशन करंट या रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट आपकी बह रही है आई सीईओ कलेक्टर और एमिटर के बीच में, जबकि आपका बेस ओपन है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि जो आपकी लीकेज करंट है आई सीईओ, वो फ्लो करेगी आपकी किस किस के बीच में, कलेक्टर और एमिटर के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये जो आपकी लीकेज करंट है आईसीयू, ये जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि एक करंट थी आपकी आईसीबीयू, ये भी लीकेज करंट थी, और ये किस लिए फ्लो हो रही थी, क्योंकि जो आपके थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनके कारण ये फ्लो हो रही थी आईसीबीयू। तो यहाँ पर जो आईसीयू होगी वो सिर्फ इसी के कारण फ्लो नहीं होगी, यानी कि आपने देखा है कि जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है ये आपका रिवर्स बायस हो गया है, और जब ये रिवर्स बायस होगा तो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण एक रिवर्स करंट फ्लो होगी। तो जो आईसीयू होगी वो सिर्फ इसी के कारण नहीं होगी, बल्कि होगा क्या कि जो आपका एमिटर बेस जंक्शन है ना, इनके बीच में जो होल्स हैं वो आपके फ्लो करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जब वो होल्स फ्लो करेंगे तो ये बेसिकली बेस एमिटर जंक्शन को स्लाइटली आप कह लीजिए उसको फॉरवर्ड बायस कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आईसीईओ होगा, या आप कह लीजिए जो लीकेज करंट होगी, वो आपकी होगी आईसीबीओ, यानी कि जो आपकी थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट बह रही है, प्लस आएगा है आपका यहाँ पर बीटा आईसीबीओ, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों आया है ये। फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए दो टर्म्स हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर आप आईसीबीओ कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, अंदर 1 प्लस बीटा, तो ये आ गई है आपकी आई सी ई ओ की वैल्यू 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आई सी ई ओ जो है वो आई सी बी ओ से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं एक रिलेशन क्या आएगा आपका आई सी और आई बी में, यानी कि आई बी क्या है आपकी इनपुट करंट और आई सी क्या है आपकी आउटपुट करंट, और हमें यही देखना है कि आई सी पर आई बी का क्या प्रभाव है, यानी कि आई बी जैसे चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग आई सी कैसे चेंज होगी। तो इसी चीज़ को हम देख लेते हैं। तो आपको पता है अभी हमने ऊपर रिलेशन निकाला है आई ई इज इक्वल टू है आपका आई सी प्लस आई बी, उसी तरीके से आपको पता है फॉर सी बी कॉन्फिग्रेशन के लिए आई सी इज इक्वल टू था आपका एल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आई ई की वैल्यू है आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई सी प्लस आई बी प्लस आई सी बी ओ, ठीक है। उसी के साथ साथ आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई सी प्लस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ, ठीक है। उसी के साथ साथ जो ये आई सी है अल्फा आई सी, आप इसको इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो आप आई सी कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस अल्फा टाइम्स आई सी, और इधर आ जाएगा आपका इज इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू आई सी बी ओ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपने इसका जो इनिशियल लेक्चर है वो देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बीटा इज इक्वल टू होता है आपका अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू आपका होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। उसी के साथ साथ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू भी मिल जाएगी, यहाँ से बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये दोनों ही रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब हमें यहाँ से पता क्या लगा कि इस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बीटा आई बी प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ,
अब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, नीचे तो ये पूरा बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए वन प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ। ठीक है, तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया है। उसी के साथ साथ इसमें हम और क्या करेंगे कि आपको पता है ऊपर हमने देखा था कि वन प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ ये आपका किसके इक्वल था, ये था आपका आई सी ई ओ के इक्वल। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो आपकी आउटपुट करंट है आई सी वो इनपुट करंट आई बी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी, यानी कि अगर बीटा की वैल्यू आपने 50 रख दी है, ठीक है, और अगर आपके आई बी की वैल्यू 2 mA है, ठीक है, और अगर आप आई सी ओ को नेग्लेक्ट भी कर दें एक बार तो आई सी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 50 × 2 mA, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 100 mA। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्पलीफिकेशन कैसे हो रहा है, आपकी आई बी जो थी इनपुट करंट थी वो सिर्फ 2 mA थी और आई सी जो है वो आपकी 100 mA मिल गई है। तो इस तरीके से ये एम्पलीफिकेशन होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब एक बार और मैं इन दोनों ही चीज़ों का आपको बताता हूँ। बीटा है क्या आपका, बीटा है आपका कॉमन एमिटर डी सी करंट गेन। ठीक है, बीटा है आपका कॉमन एमिटर डीसी करंट गेन। उसी के साथ साथ आईसीओ वो आपको पता ही है, वो है आपकी लीकेज करंट इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जितने भी आपके हमने डेरिवेशन किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आ जाते हैं जैसे अल्फा और बीटा के रिलेशन पर। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ है और पसंद भी आया है तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से ही हमें पता लगता है कि जो हमारा प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।